Hello everyone, this is Alex Smith. Welcome to Knowledge the Ambition, a platform for study in a smart way. तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की ये सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश थ्रू MCQs. तो ये कंप्लीट बुक की सीरीज है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. तो फ्रेंड्स, आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुक पढ़िए और एज अ रिविजन ये वीडियोस देखिए, क्योंकि इसमें पूरी बुक के जो MCQs है वो कवर किए जाने वाले हैं. तो बने रहिए नॉलेज द एम्बिशन पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. दिया गया है कि जिन ब्रिटिशर की 1814-15 में एंग्लो गोरखा युद्ध में मौत हुई, उनकी कब्रें निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं. तो आपको बताना है कि जिन ब्रिटिशर, जो ब्रिटिशर्स थे जिनकी मौत 1814-15 के एंग्लो गोरखा युद्ध में हुई थी, उनकी कब्रें निम्नलिखित में से किस स्थान पर है. कुनिहार घाटी में है, बल घाटी में है, दावी घाटी में है या लोहार घाटी में है. तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. इसका सही आंसर है लोहार घाटी में. लोहार घाटी में उन ब्रिटिशर्स की कब्रें स्थित हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू हमारा. तो अंग्रेजों की पहली नसीरी बटालियन में कौन थे. तो अंग्रेजों द्वारा नसीरी बटालियन स्थापित की गई थी हिमाचल प्रदेश में. तो आपको बताना है कि उनकी पहली नसीरी बटालियन में कौन थे. रोहिला थे, जाट थे, गोरखा थे या राजपूत थे. तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. इसका सही है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गोरखा थे. अंग्रेजों की जो पहली नसीरी बटालियन थी उसमें गोरखा थे. ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, इसके आंसर आपको मुझे देने हैं. तो पूछा गया है कि ब्रिटिशर्स ने किसे पंजाब हिल स्टेट का दर्जा प्रदान किया था. तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किन स्थानों को जो है ब्रिटिशर्स ने पंजाब हिल स्टेट्स, ये आपका कीवर्ड्स है, जो आपका पंजाब हिल स्टेट है, किसे ब्रिटिशर्स द्वारा इन पंजाब हिल स्टेट का दर्जा दिया गया था. रियासतें जो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन थी. ऑप्शन बी आपका ब्रिटिश गोरखा युद्ध में ब्रिटिश द्वारा जीती गई रियासतें. ऑप्शन सी है रियासतें जो सतलुज नदी के दाहिने किनारे स्थित थी या जो पंजाब से लगती थी. तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ब्रिटिशर्स ने किसे पंजाब हिल स्टेट का दर्जा दिया गया था. तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियासतें जो सतलुज नदी के दाहिने किनारे स्थित थी उन्हें पंजाब हिल स्टेट का दर्जा दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा. किस गवर्नर जनरल ने कांगड़ा के राजा रणवीर चंद को महाराजा रणजीत सिंह से अपने राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करने में मदद की थी. तो आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कांगड़ा के राजा रणवीर चंद को महाराजा रणजीत सिंह से अपने राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करने में मदद की थी. लॉर्ड वेलेसली था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड कॉर्निवल्स था या लॉर्ड डलहौजी था. तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक था. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव में तो पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार किसके माध्यम से रियासतों पर अपना नियंत्रण रखती थी. तो आपको बताना है कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो किसके माध्यम से रियासतों पर अपना नियंत्रण रखती थी. तो भारत बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो ब्रिटिशर्स किसके माध्यम से जो था वो इन छोटी छोटी रियासतों पर अपना नियंत्रण रखती थी. पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू, रेजिडेंट कमिश्नर के थ्रू या सुपरिटेंडेंट के थ्रू या उपरोक्त सभी. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी. जो ब्रिटिशर्स जो हायर करते थे पॉलिटिकल एजेंट, रेजिडेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, इन सभी को के थ्रू जो थे ब्रिटिशर्स जो आपकी रियासतें थी छोटी छोटी भारत में, पूरे भारत में रियासतें या हिमाचल में रियासतें रख लो, तो उन पर जो है नियंत्रण रखती थी ब्रिटिश सरकार. तो उपरोक्त सभी डी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा. किस वर्ष व्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्रों की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं. तो ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक पूरा देखिएगा. एंड में कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे उनके आंसर देने हैं. तो किस वर्ष ब्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्रों की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी.
1816 में, 1854 में, 1846 में, 1848 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1846 में जो था वो व्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्रों की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाया? तो शिमला घोषणा पत्र जारी किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए? आपको बताना है अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई, या कालका शिमला रेलवे लाइन की शुरुआत, या रणजीत सिंह से संधि की गई, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो पूछा गया है नाल देहरा की प्राकृतिक सुंदरता से, सुंदरता होगा यहाँ पर, नाल देहरा की प्राकृतिक सुंदरता से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश वायसराय ने अपनी बेटी का नामकरण वही कर दिया था, यानी नाल देहरा कर दिया था। तो उस ब्रिटिश जो आपका वायसराय था उसका नाम आपको बताना है। तो इसका लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड एल्गिन था, या लॉर्ड डफरिन था। आपको उस वायसराय का नाम बताना है जिसने अपनी बेटी का नामकरण नाल देहरा की प्राकृतिक सुंदरता से अभिभूत होकर वही कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चौपाल, जुब्बल और रवीनगढ़ क्षेत्रों में गोरखों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना है कि चौपाल, जुब्बल और रवीनगढ़ के क्षेत्रों में गोरखों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया था? डेविड ऑक्टरलोनी ने किया था, जेम्स वेली फ्रेजर ने, मार्टिरल ने, या गिलेस्पी ने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जेम्स वेली फ्रेजर द्वारा चौपाल, जुब्बल, रवीनगढ़ क्षेत्रों में गोरखों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया गया था। तो जब गोरखों के विरुद्ध जो आपकी अंग्रेजी सेनाएं टुकड़ी में बंटी थी, तो चार टुकड़ियों में बंटी थी, तो इसमें से जो चौपाल, जुब्बल और रवीनगढ़ के क्षेत्रों में गोरखों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था, जेम्स वेली फ्रेजर ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं, कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो कोटखाई एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? 1820 में, 1848 में, 1846 में, 1870 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1846 में जो है कोटखाई को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, पूछा गया है कि यूरोपीय यात्री मोरक्राफ्ट जो थे, विलियम मोरक्राफ्ट जो थे, वो हिमाचल प्रदेश का भ्रमण उन्होंने कब किया? तो मोरक्राफ्ट की जो हिमाचल यात्रा की डेट आपको बतानी है, कब किया था इन्होंने हिमाचल का भ्रमण? 1880 से 82 के बीच में, 1820 से 22 के बीच में, 1855 से 56 के बीच में, या 1845 से 46 के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, 1820 और 22 जो थे वो विलियम मोरक्राफ्ट का टाइम पीरियड था हिमाचल प्रदेश के भ्रमण का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 1863 में किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका 9 फरवरी 2020 को हुए एलाइड के एग्जाम में भी पूछा गया था, और इससे पहले भी ये नायब तहसीलदार तथा अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो भी मैं आपको वीडियोस में क्वेश्चंस कराता हूँ हम एक सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, जिस तरह से बुक में दिया गया है, तो आपको पूरी जो है वो ये सीरीज कंप्लीट करवाई जाएगी। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आपको बताना है कि 1863 में किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मेजर ब्लेयर रीड को चंबा की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। ये प्रथम बार हुआ था, मेजर ब्लेयर रीड, आपको नाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय कांगड़ा के किस राज्य की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे महाराज की उपाधि प्रदान की थी? तो कांगड़ा के किस राजा को प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने महाराज की उपाधि प्रदान की थी? जयचंद को, गरुणचंद को, रतनचंद को, या हरिचंद को? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जयचंद को जो है, जयचंद कांगड़ा का राजा था और प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर उसे महाराज की उपाधि प्रदान की थी जयचंद को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जयचंद। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो पूछा गया है कि लॉर्ड मेयो किस वर्ष पहली बार मंडी आए थे? तो लॉर्ड मेयो की मंडी यात्रा जो पहली बार हुई थी उसकी आपको डेट बतानी, ईयर बताना है कि किस वर्ष जो है वो
लॉर्ड मेयो मंडी आए थे। तो 1871 में जो है लॉर्ड मेयो पहली बार मंडी आए थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 1871 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई। तो फ्रेंड्स ये जो ब्रिटिशर्स द्वारा उपाधियां दी गई हैं, खिताब दिए गए हैं हिमाचल के राजाओं को, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एक सीक्वेंस वाइज में किस रियासत के राजा को या किस राणा को जो ये खिताब दिए गए हैं आपको वो याद रखने हैं और डेट वाइज याद रखने हैं। तो पूछा गया है कि क्योंथल के राणा किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी, 1857 में, 1800 में, 1909 में या 1919 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 1909 में जो है क्योंथल के राणा को ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, सिरमौर के राजा को 1815 में दी गई सनद के अनुसार। फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सिरमौर के राजा को 1815 में दी गई सनद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसे लौटा दिया गया था, कौन सा क्षेत्र जो था उसे लौटा दिया गया था 1815 में दी गई सनद के अनुसार। जौनसार बाबर, मौरनी, क्यारदा दून या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्यारदा दून जो है वो सिरमौर के राजा को 1815 में दी गई सनद के अनुसार लौटा दिया गया था, क्यारदा दून का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। पूछा गया है ब्रिटिश सरकार ने से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठाकुराई निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठाकुराई निम्नलिखित में से कौन थी। तो उस सनद का आपको ठाकुराई का नाम बताना है जो अंतिम सनद प्राप्त करने वाली थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, कुमारसेन, कुठार, दरकोटी या थरोज। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है थरोज। थरोज जो है वो अंतिम ठाकुराई थी जिसने ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। तो शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई। तो शिमला की बात की जा रही है, शिमला में जो है वो बेगार प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई थी। सैमुअल इवांस स्टोक्स ने, जिन्हें सत्यानंद स्टोक्स भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मजदूरों ने, प्रजामंडल ने या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल इवांस स्टोक्स द्वारा शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले आवाज़ उठाई गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस रियासत ने 1939 में प्रजामंडल ने बेगार प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की किस रियासत ने 1939 में प्रजामंडल से बेगार प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी। सुकेत रियासत ने, चंबा रियासत ने, धामी रियासत ने, क्योंथल रियासत ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब रियासतों की बात हम करते हैं तो धामी रियासत ने सबसे पहले जो है बेगार प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी। तो आप धामी रियासत याद रखिएगा, रियासत जब बेगार प्रथा को समाप्त करने की मांग की बात आती है तो रियासतों में धामी रियासत सबसे पहले आती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। तो 1929 में किसके समर्थन व उत्साहवर्धन से सुकेत के लोगों ने रियासत के विरुद्ध विद्रोह कर बेगार करने से मना कर दिया था। तो फ्रेंड पूछा गया है कि 1929 में किसके समर्थन व उत्साहवर्धन से जो किस समर्थन दिया गया सुकेत के लोगों को, तो उसके उत्साहवर्धन से लोगों ने रियासत के विरुद्ध विद्रोह करके बेगार करने से मना कर दिया था। तो किसका समर्थन था 1929 में सुकेत के लोगों को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का, गदर पार्टी के क्रांतिकारियों का या किसान सभा का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, गदर पार्टियों के क्रांतिकारियों के समर्थन एवं उत्साहवर्धन से सुकेत के लोगों ने रियासत के विरुद्ध विद्रोह कर बेगार करने से मना कर दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के समर्थन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बुशहर रियासत में रीत विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी। तो रीत विवाह की जो प्रथा थी ये बुशहर रियासत में किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी। ये मेनली आपकी बुशहर, रामपुर, बुशहर के इलाकों में मैक्सिमम पाई जाती थी। तो किस वर्ष जो है इसकी समाप्ति कर दी गई बुशहर रियासत में, 1915 में, 1920 में, 1925 में या 1930 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1925 में जो है वो बुशहर रियासत में रीत विवाह प्रथा की समाप्ति कर दी गई थी 1925 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय
कहलूर का राजा कौन था? तो आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था। कहलूर यानी बिलासपुर, बिलासपुर का ही पुराना नाम कहलूर है, कहलूर यानी बिलासपुर एक ही बात है। तो 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? उग्र सिंह, गोवर्धन सिंह, मेदिनी प्रकाश या हीरा चंद? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। हीरा चंद जो था वो 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो 1857 की क्रांति जो है, आप अगर नेशनल लेवल पे देखें, चाहे आप हिमाचल लेवल पे या किसी भी स्टेट के लेवल पे देखें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? जतोग छावनी से, कसौली छावनी से, योल छावनी से, सुबातू छावनी से। जब छावनियों की बात करते हैं, तो छावनियों से मैं आपको बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश में कुल ब्रिटिशर द्वारा स्थापित 7 जो थी वो सैनिक छावनियाँ थी। इनके नाम मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। इसमें से 4 छावनियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। कसौली छावनी से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी हिमाचल प्रदेश में। अगर आपको इन छावनियों के नाम याद नहीं है जो ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित की गई, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए एक सीक्वेंस वाइज में, कि पहली छावनी कौन सी थी, दूसरी, ये 7 के साथ सीक्वेंसली आप याद कर लिए कर लीजिए डेट वाइज, ताकि एग्जाम्स में आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आसानी से आप कर सकें उन क्वेश्चंस को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कसौली सैनिक छावनी से जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, जो 1857 की क्रांति थी वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी फेमस है, तो हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने अंग्रेज शासकों का साथ नहीं दिया था? तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने अंग्रेज शासकों का जो है साथ नहीं दिया था 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। तो रामपुर बुशहर की जो रियासत थी, इन्होंने अंग्रेज शासकों का साथ नहीं दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, रामपुर बुशहर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कुल्लू के किस देशभक्त नेता ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके बाद उसे उसके सलाहकार वीर सिंह सहित फांसी दी गई थी? तो कुल्लू के उस देशभक्त नेता का नाम बताना है जिसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और जिसके बाद उसे उसके सलाहकार वीर सिंह सहित, उसका जो सलाहकार था वीर सिंह था, और उसे उसके सहित उसे फांसी दी गई थी। प्रताप सिंह, वीरसेन, शमशेर सिंह या रुद्र सिंह? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये 25 क्वेश्चंस लिए गए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके और ये इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ अगर आप इनका जो PDF चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और आप इसके अलावा आप मेरे ब्लॉग पर जाके भी ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, सभी जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. Best of luck for your bright future.